चल रहा है बच्चों, एलन स्टैंडर्ड बुक की भी है ना, अकाउंटेंसी चल रहा था, सब्सिडायरी बुक ये वाला टॉपिक हम लोग देख रहे थे बेटा, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, है ना। क्या क्या चीज़ें हमने सब्सिडायरी बुक्स में देखी थी मुन्ना, प्लीज़ ध्यान दे दे। कैश बुक के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे इंप्रेस्ड और एनालिटिकल वाले, है ना। इंप्रेस्ड कैश बुक के अंदर में एनालिटिकल कॉलम वाले, है ना, सारे खर्चों के लिए सेपरेट सेपरेट कॉलम हमने बनाए थे। सिंपल था एकदम, सिर्फ लिखना ही बहुत ज़्यादा था, आसान था। चलो ओके। डन। सो यस, हाय बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस ऑल ऑफ यू गाइस। हमारा सब्सिडायर बुक टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कैश बुक के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ के कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, राइट। अब मैं आपको परचेज बुक पढ़ाऊंगा, परचेज बुक का फॉर्मेट समझाऊंगा, उसकी थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। सब लोग साथ में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दिस साइड CACS हरीश माथारिया, ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से आ जाओ, क्या होता है बेटा परचेज बुक, इसमें कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक में सारे के सारे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सिर्फ ये ही ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आते हैं। कैश परचेज परचेज बुक में नहीं आएगा, कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड, कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड, कैश परचेज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मेरा आपसे सवाल है, कैश परचेस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बोलो बेटा, कैश परचेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस कैश बुक में, यस और नो, कैश बैंक ट्रांजेक्शन कैश बुक, उधारी में माल खरीदा परचेस बुक, उधारी में माल बेचा सेल्स बुक, नकदी में मशीन खरीदा कैश बुक, नकदी में माल खरीदा कैश बुक, नगद यानी कैश ट्रांजेक्शन, उधारी में मशीन खरीदा, मशीन गुड्स नहीं तो परचेस बुक में तो आएगा नहीं, सेल्स बुक में आएगा नहीं, उधारी में मशीन खरीदा है, कैश बुक में भी आएगा नहीं, उधारी में है, और जिसके लिए कोई सब्सिडायरी बुक नहीं उसके लिए जर्नल प्रॉपर, यस और नो, उधारी में अगर मशीन खरीदा होगा तो। आ जाओ, सिमिलरली क्रेडिट परचेस ऑफ अदर देन गुड्स ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। उधारी में अगर हमने, प्लीज ध्यान देना, उधारी में अगर हमने गुड्स के अलावा और भी कुछ खरीदा तो परचेस बुक में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डीलिंग इन द मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, मतलब मशीनरी स्पेयर पार्ट्स उसके लिए गुड्स है, अगर ये क्रेडिट में खरीदा तो ही परचेस बुक में आएगा। और परचेस बुक का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डेट किस दिन माल खरीदा, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर अगर दिया होगा तो, लेजर फोलियो, है ना। अब हमारा प्लीज ध्यान देना, परचेस अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे है, परचेस अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अमाउंट कितना रहेगा, दैट्स इट, गेम ओवर। ये था आपका फॉर्मेट परचेस बुक का। परचेस रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, ऑल गुड्स जो हमने उधारी में खरीदे थे वो रिटर्न किए, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, बट कौन से गुड्स जो हमने क्रेडिट में खरीदे थे, विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो माल हमने क्रेडिट में परचेस किया था वो ही गुड्स अगर मैं रिटर्न करता हूं तो ही परचेस रिटर्न बुक में आएगा। क्यों सर, कैश में माल खरीदा था वो माल वापस किया तो सामने वाला कैश रिटर्न करेगा ना हमें, तो वो तो कैश बुक में आ जाएगा। कैश में खरीदा हुआ माल वापस किया तो हम सामने वाले से कैश वापस लेकर के आएंगे तो वो कैश बुक में आ जाएगा, बट जो माल उधारी में खरीदा वो ही माल अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न बुक में आ जाएगा। सो समटाइम गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीजन सच एज, अब क्यों रिटर्न करते हैं, है ना, फॉर वेरियस रीजन, जैसे गुड्स नॉट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी और डिफेक्टिव माल था, है ना, एंड एवरी रिटर्न या फिर डेबिट नोट बोलेंगे हम लोग उसे, ये डुप्लीकेट में बनेगा, एक सप्लायर के पास रहेगा ओरिजिनल जो भेजेंगे और एक उस कॉपी हमारे पास रहेगी, सप्लायर भी एक नोट बनाएगा उसे बोलेंगे क्रेडिट नोट। तो अब मैं आपको आज की दुनिया में ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है पहले ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान देना, आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, सब लोग साथ में हैं, है ना। क्या होता है डेबिट नोट, क्या होता है क्रेडिट नोट, आगे आने वाला है, आगे आने वाला है, बस वही आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाओ देखो, ये हमने सब्सिडायरी बुक के अंदर में सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे थे, परचेज बुक में क्या आएगा, सेल्स बुक में क्या आएगा, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में, है ना। तो अब आ जाओ अच्छे से लिखो आगे, लिखो बेटा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपके नोटबुक में लिखना है डेबिट नोट, डेबिट नोट, सब लोग साथ में हैं, किसी को कोई तकलीफ है प्लीज़ एक बार सबसे पहले बोलो बेटा यस और नो। रेगुलर बेसिस पे प्लीज़ ध्यान देना बेटा, जो भी आप लोगों को मैंने आज तक पढ़ा दिया रेगुलर बेसिस पे उसे रिवाइज करना। फिफ्थ नंबर का टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, ध्यान दो बेटा। आ जाओ, सो डेबिट नोट पहले एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद अपोजिट क्रेडिट नोट रहेगा। अब प्लीज़ अच्छे से ध्यान दो, जैसे मैंने सप्लायर से उधारी में माल खरीदा, सिनारियो वन, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट किसे, फ्रॉम कटप्पा एंड कंपनी ₹1,000, बरोबर है। क्या एंट्री होती है बेटा जनरल इसकी बुक में, अगर जनरल एंट्री बुक में लिखा होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कटप्पा एंड कंपनी, और अगर इसी के लिए परचेज बुक मेंटेन किया होता यानी सब्सिडायरी बुक, मुन्ना ध्यान दे काम की चीज है, अगर परचेज बुक मेंटेन किया रहता तो क्या एंट्री होती, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। परचेज बुक में जब भी आप कोई पार्टी का नाम लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया कटप्पा एंड कंपनी, तो इसका मतलब ये हुआ कटप्पा एंड कंपनी से उधारी में माल खरीदा, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि परचेज अकाउंट कहीं ना कहीं डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है और पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये मतलब हुआ इसका, यस और नो। अब ध्यान देना अच्छे से बेटा सब लोग, सो कटप्पा एंड कंपनी का लेजर नंबर हमें मालूम नहीं है कौन से लेजर पेज पे है, लेजर फोलियो पे, अमाउंट है 1,000। क्या ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया बेटा सभी को, अगर जर्नल एंट्री बुक में होती तो क्या एंट्री होती और सब्सिडायरी बुक में होती तो कैसे दिखता, क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट है, सिंपल है। अब मान लो इसमें से 200 का माल खराब था, है ना, आउट ऑफ द अबव परचेज गुड्स वर्थ ₹200 वर रिटर्न्ड, खराब था इसलिए रिटर्न कर दिया, क्लियर है, सब लोग साथ में हैं। सो अब बताओ जर्नल एंट्री बुक में क्या एंट्री होती, माल खरीदा था परचेज टू कटप्पा लिखा, माल वापस कर रहे हैं, कटप्पा को पहले क्रेडिट किया था, अब कटप्पा एंड कंपनी को डेबिट करो ₹200, टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹200, ये एंट्री हमने कर दिया, माल खराब था हमने एंट्री कर दिया हमारे बुक में, हमने कटप्पा को डेबिट कर दिया और माल भेज दिया। सर अगर यही एंट्री सब्सिडायरी बुक में करते तो परचेस रिटर्न बुक बनता, जर्नल एंट्री में करते तो ऐसी दिखती, सब्सिडायरी बुक में करते तो ऐसी दिखती, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो
अमाउंट कटप्पा एंड कंपनी अकाउंट 200। परचेस रिटर्न बुक में एंट्री लिखने का मतलब क्या होता है? परचेस रिटर्न बुक में एंट्री लिखने का मतलब होता है पार्टी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। पार्टी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। परचेस बुक में एंट्री करने का मतलब होता है पार्टी अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। और परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। ठीक है, ये देखो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पूछो, एनीबॉडी। खरीदो माल, पहले माल उधारी में जब खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कटप्पा इन कंपनी किया था, अब माल वापस कर दिया तो कटप्पा इन कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, राइट। चलो आगे, पक्का किसी को इसमें तकलीफ है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी। नो, ग्रेट, आगे बढ़ रहो, आ जाओ। सो अब मैं आपको डेबिट नोट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब मैंने माल वापस किया तो यहां पे मेरे पास प्रूफ क्या था, यहां पे मेरे पास प्रूफ था माल खरीदा कटप्पा इन कंपनी से, यहां पे मेरे पास प्रूफ था बिल, इनवॉइस, इनवॉइस। बरोबर है, अब मैंने किसी पार्टी को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर दिया, अच्छी बात है क्या ये? कटप्पा इन कंपनी को 1000 रुपये देना था, मैंने 200 डेबिट कर दिया, अब उसको 800 देना है। मैं तो मेरे मन से किसी को 2 करोड़ रुपये डेबिट कर दूंगा, चलेगा क्या ऐसे? जब भी आप किसी पार्टी या पर्सन को डेबिट करते हो, वहाँ पे आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कटप्पा को यहाँ डेबिट किया तो इस एंट्री का या फिर ये परचेस रिटर्न बुक का इसका एक प्रिंटआउट निकालना पड़ेगा। इसका प्रिंटआउट आपने निकाला और प्रिंटआउट में आपने आपकी सारी डिटेल लिख दी, कटप्पा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ है टू परचेस रिटर्न अकाउंट 200 200, और इस प्रिंटआउट का नाम है डेबिट नोट। और ये डेबिट नोट कितनी कॉपी में बनेगा? 2 कॉपीज। कितने कॉपी में बनेगा? 2 कॉपीज, यस और नो। और उसमें की एक कॉपी सेंड करेंगे, विल सेंड टू कटप्पा एंड कंपनी, और कटप्पा एंड कंपनी इसके ऊपर साइन करेगा, और साइन करके ये आपको वापस देगा, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कटप्पा एंड कंपनी ने हमें परमिशन दे दिया कि यस ठीक है, माल खराब था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और आप मुझे डेबिट कर सकते हो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इस प्रिंटआउट को हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। बरोबर है सर, इसको डेबिट नोट ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं पार्टी को क्या कर रहा हूँ? डेबिट। यहाँ पे मैं पार्टी को डेबिट कर रहा हूँ, और वो पार्टी के नाम से मैंने डेबिट नोट बनाया, वो पार्टी के नाम से मैंने डेबिट नोट बनाया। इसका मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताता हूँ डेबिट नोट का, है ना, कैसे रहेगा। ये देखो, ये हम हैं, है ना, वी हेयर बाय इन्फॉर्म यू के हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हम आपको डेबिट करने जा रहे हैं विथ रुपीज 200 का माल था, है ना, पार्टी का नाम जो भी था समझ लो कटप्पा इन कंपनी, डेबिट नोट नंबर समझ लो 1, डेट जो भी थी हमने डेट लिख दिया, ठीक है, डेट लिख दिया समझ लो। ये हम है, ये हमारा एड्रेस है, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी वो लिख दिया, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर कौन सा था पहले का, किसमें का माल है, रेट क्या था, और अमाउंट कितनी थी टोटल 200, है ना। और ये प्रिपेयर्ड बाय, ये मेरे अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया, उसका यहाँ पे नाम आ गया, है ना, जिसने भी प्रिपेयर किया होगा एक्स वाई जेड, और ये उसकी साइन आ गई एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कटप्पा का साइन आएगा, कटप्पा एंड कंपनी, सॉरी ये, ये कटप्पा एंड कंपनी का साइन। यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से दोनों जगह से जहाँ से लेना है वहाँ से ले लो।
ठीक है, तो उसने साइन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कल चल के अगर कुछ लफड़ा हुआ, कटप्पा ने बोल दिया नहीं मुझे तो 1000 रुपये पूरे लेना है, मैंने 1000 का माल दिया था, देखो इनके बुक में परचेस की एंट्री है, देखो इनके बुक में मुझे क्रेडिट किया हुआ है, कटप्पा ऐसा बोलेगा ना, देखो मेरा क्रेडिट बैलेंस है 1000 रुपये। हम बोलेंगे रुक, डेबिट नोट तूने साइन करके दिया था, तूने खुद ने अथॉरिटी दिया था हमें 200 रुपये डेबिट करने की, क्योंकि तेरा माल खराब था, मैंने माल भी वापस भेजा था। तो जब भी आप किसी पार्टी को डेबिट नोट देते हो, मतलब आप डेफिनेटली उस पार्टी को क्या करने जा रहे हो, आप उस पार्टी को डेबिट कर रहे हो। आप उस पार्टी को क्या कर रहे हो बेटा, आप उस पार्टी को डेबिट कर रहे हो, यस और नो? जब आप किसी को डेबिट नोट देते हो मतलब आपने उस पार्टी को क्या किया, आपने उस पार्टी को डेबिट किया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, एनीबॉडी? क्लियर? पक्की बात? डन? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर है? पक्का? मैंने कटप्पा एंड कंपनी को डेबिट नोट दिया, अच्छा बदले में अब कटप्पा एंड कंपनी उसके बुक में क्या एंट्री करेगा, अब कटप्पा उसके बुक में लिखेगा, कटप्पा एंड कंपनी के बुक्स में वो क्या लिखेगा, वो उसके बुक में लिखेगा बेचा हुआ माल वापस आया, तो वो लिखेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड टू हमारा अकाउंट, समझ लो हमारा नाम है HMN कंपनी, 200 रुपये 200 रुपये, और वो इसका प्रिंटआउट निकालेगा और हमें दे देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट नोट। सो कटप्पा हमें क्या देगा, क्रेडिट नोट, देखो हमारा अकाउंट उसने क्या किया, क्रेडिट। कल चल के वो मुखर नहीं सकता है ना, हम बोलेंगे भैया आपसे डेबिट नोट हमारा साइन करके आया, एक हमने आपको दे दिया था, दो कॉपी थी ना, एक ओरिजिनल दे दिया था इसको और डुप्लीकेट साइन करके हमारे पास आ गया था, दो कॉपी में निकाला था, एक कटप्पा के पास था एक हमारे पास आ गया, और कटप्पा उसके बुक में भी एंट्री करके हमें क्रेडिट नोट भेजेगा। हमें क्रेडिट नोट मिला मतलब हमारा अकाउंट कटप्पा ने उसके बुक में क्रेडिट किया। हमें क्रेडिट नोट मिला मतलब डेफिनेटली, अब जैसे मैं पुणे सेंट्रल गया, मैंने पुणे सेंट्रल जाके 500 रुपये का वॉलेट खरीदा है ना, 500 रुपये उसको दे दिए, मस्त वॉलेट खरीदा, घर पे आके देखा तो वॉलेट ख़राब था, मैंने वॉलेट उसके मुंह पे दे मारा। अब उसने बोला साहब पैसा तो मैं रिफंड नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको 500 का क्रेडिट देता हूँ, तो पुणे सेंट्रल ने मुझे क्रेडिट नोट दे दिया 500 रुपये का। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं पुणे सेंट्रल से जब भी कभी कुछ खरीदने जाऊँगा तो मेरे पास 500 रुपये का क्रेडिट नोट पड़ा है उनका, मैं वो कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, यस और नो? तो वैसे कटप्पा ने मुझे 200 का क्रेडिट नोट दिया, कटप्पा ने बोला या तो 200 वापस ले ले या तो 200 का नया माल ले ले, यस और नो? और अगर मैंने उधारी में माल लिया होगा तो 200 रुपये मेरा उतना कम कर देगा, उसके बुक में लेना कम दिखा देगा या नया माल दे देगा। क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? सो हमें क्रेडिट नोट मिला मतलब अच्छी बात है, या फिर हम किसी को डेबिट नोट दे रहे अच्छी बात है, यस और नो? हमने किसी को डेबिट नोट दिया मतलब हमारे बुक्स में हमने उसे डेबिट कर दिया और बदले में सामने वाला उसके बुक में हमें क्रेडिट करेगा। मैं कटप्पा को डेबिट कर रहा हूँ मतलब कटप्पा उसके बुक में मुझे क्रेडिट करेगा, तो कटप्पा से मुझे मिलेगा क्रेडिट नोट, बरोबर है? अच्छा, ये सब ट्रांजेक्शन के अंदर में हम कौन थे, हमने कटप्पा से उधारी में माल लिया, हमने कटप्पा से उधारी में माल लिया, हम कटप्पा के थे डेटर, और कटप्पा एंड कंपनी कौन था हमारा, क्रेडिटर। कटप्पा एंड कंपनी हमारा कौन था, क्रेडिटर। सो क्रेडिटर, प्लीज ध्यान देना, क्रेडिटर से जाएगा डेटर को क्रेडिट नोट और डेटर से क्रेडिटर के पास आएगा डेबिट नोट। देखो हमने डेबिट नोट दिया और कटप्पा से हमें क्या मिला, क्रेडिट नोट, यस और नो? अब बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? सो हम सप्लायर को या हम क्रेडिटर को क्या देते हैं, डेबिट नोट। देखो हमने डेबिट नोट दिया और सप्लायर हमें क्या देता है या क्रेडिटर हमें क्या देता है, डेबिट नोट, सॉरी क्रेडिट नोट। क्लियर? डन? पक्की बात?
डेटर ने दिया डेबिट नोट और क्रेडिटर से हमें मिला क्रेडिट नोट, डन। किसी को तकलीफ है तो प्लीज 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 एक बार पूछो, क्लियर है सारी चीजें, पक्का, डन, चलो आगे, ग्रेट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो ये रहा डेबिट नोट। सो डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट जो सामने वाले से मिलता है कंटेनिंग द डिटेल्स। अच्छा, डेबिट नोट ये हम दे रहे हैं सामने वाले को। देखो बेटा, ये हमने कटप्पा से माल खरीदा था, माल खराब था, माल वापस कर दिया, कटप्पा अकाउंट डेबिट किया, इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको डेबिट नोट दे दिया। तो हमने डेबिट नोट दिया सामने वाले को। डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द गुड्स लाइक क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, तो ये सब डिटेल रहेगी। दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु इज रिटर्निंग। देखो हम माल वापस कर रहे हैं, हम माल वापस कर रहे हैं, हमने डेबिट नोट बना के दिया, हमने डेबिट नोट बना करके दिया कटप्पा को जो माल रिटर्न करता है। इट इंडिकेट्स दैट अकाउंट ऑफ द पर्सन और द पार्टी टू हुम गुड्स आर रिटर्न इज डेबिटेड। हमने हमारे बुक में कटप्पा को डेबिट किया, हमने हमारे बुक में कटप्पा को क्या किया, डेबिट किया, हमने हमारे बुक में कटप्पा को क्या किया, डेबिट किया। मैं कटप्पा को डेबिट नोट के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि कटप्पा मैंने तुझे डेबिट किया है मेरे बुक्स में, राइट, क्लियर, पक्की बात। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो एक बार, डन। सो परचेस, परचेस रिटर्न बुक समझ में आया। नाउ सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक, अच्छे से ध्यान देना। और जिसके लिए कोई भी बुक नहीं है वो सब कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर में। सेल्स बुक में क्या आते हैं बेटा, ऑल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैश सेल यहाँ नहीं आएगी। सिमिलरली असेट वगैरह हमने कुछ बेचा तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, उधारी में असेट बेचा है तो भी, कैश में भी असेट बेचा है तब भी नहीं आएगा। और एग्जाम्पल एक दे दिया, उधारी में माल बेचा सेल्स बुक में, कैश सेल ऑफ फर्नीचर वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब सेल्स बुक में आएगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। फॉर्मेट परचेस बुक की तरह ही है सेल्स बुक का, वहां पे इनवॉइस था, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस है, माल बेच रहे हैं ना हम लोग तो आउटवर्ड इनवॉइस आएगा, माल बेच रहे तो आउटवर्ड इनवॉइस आएगा, क्लियर। और सेल्स बुक के अपोजिट क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न बुक, और इसी को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न बुक का ही दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, बेचा हुआ माल वापस अंदर आया, इनवर्ड अंदर आया। परचेस रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या रहेगा, रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा हुआ माल बाहर गया वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, यस और नो, क्लियर है, पक्की बात, डन। उसके बाद सो जो माल मैंने क्रेडिट में बेचा था, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो माल अगर वापस आया तो उस समय सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री जाएगी, सच रिटर्न ऑफ गुड्स, ये सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे। पर अगर माल अगर हमने बेचा था कैश में और वो माल अगर वापस आता है तो मुझे सामने वाले को कैश वापस करना है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वन सेंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न जर्नल, इसी को रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल भी बोलते हैं। ऑन रिसीट ऑफ द गुड्स, हम लोग सामने वाले को क्या देंगे, क्रेडिट नोट। सर कैसे, माल बेचा था तो मैंने कस्टमर को लिखा था कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, माल वापस आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर को मैंने क्या किया, रिटर्न के समय क्रेडिट किया, तो इसका प्रिंट आउट उसको मैं बोलूंगा क्रेडिट नोट। कस्टमर को भेजना पड़ेगा ना, भाई कस्टमर पहले जब मैंने माल बेचा था तब तुझे डेबिट किया था, अब माल वापस करा तो तुझे क्रेडिट किया, यस और नो, तो उसकी प्रिंट आउट मतलब क्रेडिट नोट।
मैं जब किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ मतलब मैं मेरे बुक्स में उसे क्रेडिट कर रहा हूँ, मैं जब किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ मतलब मैं मेरे बुक्स में उसे क्रेडिट कर रहा हूँ, यस और नो, क्लियर है, पक्की बात? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर, पक्की बात है, समझ में आया? एटलीस्ट आसान भाषा में लिए हुए सारे पॉइंट्स, एक 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 पॉइंट्स आसान भाषा में एकदम दिख रहा है, ठीक, ओके। ग्रेट, ग्रेट, चलो आगे। द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट नोट इज दैट फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड बाय, फॉर्मर यानी पहले वाला यानी फॉर्मर, यहां पे दोनों में पहले वाला कौन सा है? डेबिट नोट, ये कौन बनाता है डेबिट नोट, बोलो बेटा ये, हाँ फॉर्मर इज प्रिपेयर्ड बाय, बोलो, फॉर्मर ये वाला नहीं है, ये फॉर्मर है पहले वाला क्रेडिट नोट, ये पहले वाला, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट पहले लिखा, डेबिट नोट बाद में, तो पहले वाला क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? क्रेडिटर यानी सप्लायर यानी सेलर, एंड बाद वाला डेबिट नोट कौन बनाएगा? बायर, बराबर है? मैंने माल बेचा किसको? कस्टमर को, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, उसके बाद माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, तो मैंने माल बेचा, मैं सेलर हूँ, माल वापस आया तो मैंने कस्टमर को क्रेडिट किया, तो सेलर ने कस्टमर को क्रेडिट किया मतलब सेलर क्रेडिट नोट बना रहा है, सेलर ने कस्टमर को क्रेडिट किया मतलब सेलर क्रेडिट नोट बना रहा है, और कस्टमर मुझे डेबिट करके कस्टमर डेबिट नोट भेजेगा, यस और नो, क्लियर है, पक्की बात? क्रेडिट नोट इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स द डिटेल्स, वही सेम डिटेल्स का, माल कितने का था, कितना माल था, क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या था, इनवॉइस नंबर क्या था, और ये उसका फॉर्मेट। सर फॉर्मेट भी आता है क्या एग्जाम में? हाँ। अब ये कौन है यहाँ पे? सेलर, सप्लायर, हमने माल बेचा, हम सेलर है, हम क्रेडिट नोट दे रहे कस्टमर को, हम बोल रहे सर सॉरी माल खराब था, आपने माल हमारे मुंह पे मारा, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हमने आपको पहले डेबिट किया था माल बेचते समय, अब हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं, वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट बाय दिस अमाउंट, बराबर है क्या? ये साइन कर दो सर, यहाँ पे हमारा साइन है सर, ये हमने प्रिपेयर किया सर। और जो ट्रांजेक्शन कोई भी बुक में नहीं जाता वो कहाँ जाता है? जर्नल एंट्री बुक या जर्नल प्रॉपर में। जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं जाएगा, विच डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द सब्सिडायरी बुक्स, जिसको सब्सिडायरी बुक में या स्पेशल जर्नल में कहीं पे कोई जगह नहीं मिल रही है, सब्सिडायरी बुक में या स्पेशल जर्नल में कहीं पे कोई जगह नहीं मिल रही है, वो कहाँ पे जाएगा? जर्नल एंट्री बुक में, क्लियर है? एग्जाम्पल, जैसे असेट उधारी में खरीदा, गुड्स उधारी में खरीदा रहता तो परचेज बुक में आ जाता, असेट उधारी में खरीदा तो बोलो वो कहां पे आएगा? जर्नल एंट्री बुक में, यस और नो? असेट उधारी में बेचा, गुड्स उधारी में बेचा रहता क्रेडिट में तो सेल्स बुक में आता, असेट बेचा उधारी में, सब्सिडी अपने जर्नल एंट्री बुक में आ जाएगा, यस और नो? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बुक में, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री जर्नल एंट्री बुक में, एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री बुक और जर्नल प्रॉपर। देखो ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्योंकि इनके लिए कोई सेपरेट बुक नहीं है, ट्रांसफर एंट्री, यस और नो? अब बताओ कहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। नो डाउट, पक्का? एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आप मुझे, हमने ये सॉल्व कर लिया था, ये कर लिया था, 2, 3 हो गया था, 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बताओ आज मुझे आप। बोलो बेटा, व्हाट इज सब्सिडायरी बुक?
सब्सिडियरी बुक इज द स्पेशल जर्नल और सपोर्टिंग बुक टू द लेजर बुक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जर्नल को हमने क्लासिफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, जो कहना है कह लो एक सेंटेंस में। सो सब्सिडियरी बुक इज द सब डिविजन ऑफ जर्नल्स, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पेपर में आना मांगता, ये आना चाहिए बेटा। सब डिविजन ऑफ जर्नल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। वाई सब्सिडियरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि ट्रांजेक्शन होते ही सबसे पहले या तो जर्नल एंट्री बुक में आता है या तो सब्सिडियरी बुक में, इसीलिए इनको प्राइमरी बुक्स बोलते हैं। वॉट इज कैश बुक, आराम से बोलने के लिए अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ तो कैश बुक बहुत सिंपल है। कैश बुक इज बेसिकली सब्सिडियरी बुक एज वेल एज लेजर विच कंटेन्स ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन, ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन। उसके बाद हाउ डज कैश बुक सर्व द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये जर्नल भी है सब्सिडियरी बुक और लेजर भी है, ये स्पेशल जर्नल यानी सब्सिडियरी बुक भी है, स्पेशल जर्नल यानी सब्सिडियरी बुक भी है और लेजर भी है क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट है, ये स्पेशल जर्नल और लेजर दोनों भी है। लेजर क्यों है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, यस और नो। उसके बाद वॉट इज इंक्लूडेड इन द रिसीट साइड ऑफ द सिंपल कैश बुक, रिसीट साइड में कैश रिसीट या फिर बेरर चेक, बेरर चेक भी एज गुड एज कैश है, या ड्राफ्ट मिला किसी से, डिमांड ड्राफ्ट डीडी, पहले के जमाने में डीडी बहुत बनते थे बेटा, यस और नो। उसके बाद व्हाट इज ओडी, बैंक में था 100 रुपए, मैंने विड्रॉल किया 110, बोलो ओडी कितने का हो गया, 10 का। अब मुझे बैंक वालों से लेना नहीं, उल्टा 10 रुपए देना है, तो वो मेरा 10 रुपए ओवरड्रॉन है। जितना अमाउंट है उससे ज्यादा विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉल अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड। पेइंग स्लिप क्या है, व्हाट इज पेइंग स्लिप, बैंक में अगर हम लोगों को पैसा या चेक डिपॉजिट करना है तो पेइंग स्लिप लगती है। स्टेट मीनिंग ऑफ पासबुक, बैंक वालों के बुक में जो मेरा अकाउंट है, बैंक किस में मेंटेन करती है, पासबुक में, यस और नो। सो इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। डिफाइन अ चेक, चेक क्या है बेटा, हमने ये देखो, ये मैं हूँ, ये मेरा एम्प्लॉई है और ये बैंक है, मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी का चेक दे दिया और वो चेक गया बैंक में, तो अल्टीमेटली मैंने बैंक को ऑर्डर दिया है कि तू इसके अकाउंट में पैसा डाल दे सैलरी का। सो बेसिकली इट इज एन रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक, जो मैंने साइन करके दिया है और बोला है कि मेरे स्टाफ को ये सैलरी दे दे तू मेरे अकाउंट से पैसा कट करके, स्टाफ को सैलरी दे दे, तो ये बेसिकली अनकंडीशनल ऑर्डर है जो बैंक को दिया और मैं बैंक को बोल रहा हूँ, डायरेक्टिंग अ बैंक, मैं बैंक को दिशा प्रदान कर रहा हूँ कि भैया तू पैसा पे कर टू द पर्सन जिसको मैंने चेक दिया है या फिर जिसका चेक के ऊपर नाम लिखा है, या फिर चेक बेरर चेक है तो जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे दे, यस और नो। उसके बाद पे ही, जिसको पैसा मिलता है, टू वुम अमाउंट ऑफ द चेक इज मेड पेएबल, वो पे ही हो गया। वेन इज विड्रॉल स्लिप यूज, बैंक से पैसा विड्रॉल करते समय। क्रॉस चेक क्या है, ये याद आया क्या, क्रॉस चेक हमने कौन से टॉपिक में देखा था इसके पहले, जर्नल के अंदर में, क्रॉस चेक या अकाउंट पे ही लिख दिया क्रॉस है तो जिसका नाम है उसी को पैसा मिलेगा और किसी को नहीं। टू पैरेलल लाइंस इज नोन एज क्रॉस चेक। नॉट पे कैश मतलब कैश नहीं पे करेगी, बैंक बोलेगी भैया जिसका चेक पे नाम है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, इसलिए कभी भी घर पे खाली चेक साइन करके रखा तो उस पर 2 लाइन खींच लो। सो किसी ने अगर चेक चुरा के उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा किसके अकाउंट में पैसा गया, यस और नो। कुछ इसमें दूसरे टॉपिक के भी क्वेश्चंस आ गए हैं। गिव द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, चेक डिसऑनर हो रहा है उसका मतलब क्या है, बैंक वालों ने पैसा देने से मना कर दिया, मे बी फॉर एनी रीजन, मैंने मेरे स्टाफ को चेक दिया सैलरी का, स्टाफ जब वो चेक बैंक में लगाया तो बैंक वालों ने बोला पैसा नहीं है, डिसऑनर कर दिया चेक का। व्हेन बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट, जो भी चेक के ऊपर लिखी रहेगी, किसको पैसा दिया नहीं, पे ही को, जिसको मिलने वाला था बट उसको पैसा मिला ही नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट एक ही अकाउंट में आ रहे हैं, जैसे कैश बुक के अंदर में डबल कॉलम कैश बुक में कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो बैंक कॉलम के डेबिट में टू कैश और कैश कॉलम के क्रेडिट में बाय बैंक, जहाँ पे अकाउंट्स के एंट्री के दोनों भी इफेक्ट डेबिट क्रेडिट एक ही लेजर में आते हैं तो उस एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं।
जनरली काउंटर एंट्री कहाँ पे आपको मिलेगी? कैश बैंक अकाउंट। कहाँ पे बेटा? कैश बुक के अंदर में। एंट्रीज आर पास्ड व्हेन कैश अकाउंट बैंक अकाउंट आर अफेक्टेड एट द सेम टाइम इन द ट्रांजैक्शन। पेटी कैश बुक का मतलब पूछा है, देखा है क्या हमने, है ना? ये देखा है क्या? देखो जरा, स्टेट द सोर्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक, सेल बिल और क्रेडिट मेमो और बिल। इन्होंने पूछा सेल्स बुक में जो एंट्री करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट को देख के करते हैं? सेल बिल को। इंप्रेस सिस्टम क्या होता है बेटा बताओ तो? हर पीरियड के स्टार्टिंग में एक फिक्स अमाउंट मेंटेन करेंगे, हर पीरियड के स्टार्टिंग में एक फिक्स अमाउंट मेंटेन करेंगे, मतलब हम लोग इंप्रेस सिस्टम है। और वो फिक्स अमाउंट कितनी रहेगी? अंदाजन, एस्टिमेट्स। मेन कैशियर एस्टिमेट्स द टोटल पेटी एक्सपेंसेस एंड बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट, उस एस्टिमेट के भरोसे एन अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर फॉर द पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक अमाउंट एस्टिमेट कर लेगा और हर पीरियड के स्टार्टिंग में उतना ही पैसा देगा। क्लियर? ये कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी के अभी आप लोगों ने ट्राई करना है, अभी के अभी, पेंडिंग रखना नहीं है। क्लियर है? पक्की बात? डन। मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये टॉपिक, हमें ऐसा लग रहा है कि कल और परसों दो दिन के अंदर में टॉपिक हमारा खत्म हो सकता है, राइट? आज का होमवर्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है।